जय श्री राम दोस्तों, आज 17 नवंबर 2023 वर्कआउट का दिन चल रहा है 69। तो करते हैं पार्क में रनिंग। तो दोस्तों आज भी 8 चक्कर लगाया पार्क के, ठीक है, पसीने आ रहे हैं बहुत। तो दोस्तों हमने पार्क में रनिंग कर ली थी, आज करना है चेस्ट का वर्कआउट। तो अब हम कर रहे हैं नॉर्मल पुशअप्स का सेट 1। तो दोस्तों हमने 20 तक की है पुशअप्स नॉर्मल वाली। तो दोस्तों अगला जो सेट हुआ है डायमंड पुशअप्स का, नॉर्मली दिन पर हम 10 लगाते हैं, आज देखते हैं 15 लगती है या नहीं डायमंड पुशअप्स। तो दोस्तों डायमंड पुशअप्स भी हमने 20 तक लगा दी। तो दोस्तों अगला सेट करते हैं चेस्ट के वर्कआउट का, जो है स्पाइडरमैन पुशअप्स, ठीक है। देखते हैं ईच साइड 10 लगती है या नहीं, टोटल 20 हो जाएगी। तो दोस्तों 8-8 लगी है, यानी टोटल 16 लगी है। तो दोस्तों डंबल के साथ फ्लैट बेंच प्रेस करते हैं लाइट वेट का, ठीक है, फिर हैवी वेट करेंगे। तो दोस्तों हैवी वेट करने से पहले एक इंक्लाइन पुशअप्स का सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पूरी 20 तक की है हमने। तो दोस्तों हैवी वेट के साथ कर रहे हैं हम चेस्ट का वर्कआउट, ठीक है, बिना सपोर्ट के 20 kg भी हैवी वेट है। तो कोशिश रहेगी लेवलिंग दोनों हाथों की सेम रहे, ठीक है। तो दोस्तों 15 का किया है सेट। तो दोस्तों डिक्लाइन पुशअप्स का एक सेट कर रहे हैं अब हम।
तो दोस्तों ये वाला भी हमने 20 तक किया है। तो दोस्तों अगला सेट करते हैं रिवर्स डंबल एक्सटेंशन का, ये भी हम 20 तक करेंगे। ठीक है दोस्तों 22 तक की है। तो अगला सेट है बटरफ्लाई बेंच प्रेस के साथ। ठीक है दोस्तों ये भी हमने सक्सेसफुली कर ली। तो नई एक्सरसाइज ट्राई करते हैं चेस्ट के लिए। पहले हम करेंगे राइट हैंड के साथ। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड के साथ करते हैं। तो दोस्तों 10 तो लगा दी लेकिन दम बहुत लग गया। तो दोस्तों बोर्ड के साथ भी करते हैं दो सेट चेस्ट के लिए। तो सेट वन कर रहे हैं अभी। तो दोस्तों पूरी 22 तक की है। ठीक है तो दोस्तों अगला सेट करते हैं बोर्ड के साथ चेस्ट का। ये वाली दोस्तों बस 13 तक ही लगी। तो दोस्तों डीप बार के साथ कर रहे हैं हम चेस्ट का सेट वन। तो दोस्तों सेट टू है ये डीप बार के साथ चेस्ट का।
तो दोस्तों ये हमारा सेट टू है 20 kg रोड के साथ, और आज का आखिरी वर्कआउट का सेट। ठीक है, तो दोस्तों हाथ भर गए हैं बिल्कुल, तो 10 ही लगी हैं। तो दोस्तों आज का वर्कआउट क्लोज करने से पहले और रिजल्ट दिखाने से पहले लगाते हैं एक सपाटे का सेट। तो सपाटे के बाद दिखाता हूँ आज का रिजल्ट।